वेल हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा बेस्ट डीआईवाई बॉडी स्क्रब शेयर करूँ जो मार्केट को टक्कर देने वाला है। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल पर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। ये आपकी बॉडी को बहुत ही अच्छे से एक्सपोलिएट करेगा, डेड स्किन सेल की लेयर को निकालेगा। बॉडी में जितना भी कालापन है, जितनी भी टैनिंग हो गई है, दाग धब्बों की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। बॉडी को काफी ज्यादा ये गोरी, बेदाग, चमकदार बनाएगा। काफी ज्यादा सॉफ्ट लगेगी, स्मूथ लगेगी, काफी ज्यादा लाइट ब्राइट लगेगी। आपकी स्किन को ये 1-2 शेड फेयर करेगा। तो चलिए जानते हैं किस तरह से बनाना है। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लीन बाउल लिया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे 1.5 से 2 चम्मच जितना चावल का आटा यूज करूंगी। ये स्किन को गोरा करेगा, साथ ही साथ बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग का काम करेगा। लूज स्किन को ये टाइट करेगा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कॉफी पाउडर लिया जो स्किन के कलर को निखारेगा, बहुत ही अच्छे से एक्सपोलिएट करेगा स्किन को, काफी ज्यादा ये लाइट ब्राइट बनाएगा। फिर मैंने यहाँ पे पाउडर शुगर लिया है जो स्किन को सॉफ्ट बनाएगा, स्मूथ बनाएगा, शाइनी बनाएगा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पिंच ऑफ हल्दी ली है जो स्किन में इन्फेक्शन बैक्टीरिया को किल करेगा। हल्दी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है स्किन के लिए। सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लो। 2 चम्मच जितना चावल का आटा लिया है, बाकी सारी चीजें मैंने 1-1 चम्मच ली है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कोकोनट का कोल्ड प्रेस ऑयल यूज कर रही हूँ। गर्मियों का सीजन चल रहा है इसलिए मैंने इसमें कम क्वांटिटी में यूज किया। ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, आप किसी भी ब्रांड का कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बॉडी लोशन यूज कर रही हूँ। जो बॉडी लोशन बच जाते हैं वो आप वेस्ट मत करें, वो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा हैक से गाइस, आप इसे जरूर ट्राई करें। तो यहाँ पे मैंने गुड वाइब्स का बॉडी लोशन लिया है, मैंने यहाँ पे करीबन 2 चम्मच जितना बॉडी लोशन लिया है। उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा चावल का आटा यूज करी क्योंकि मैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक रखना चाहती हूँ। आप चाहो तो थोड़ी सी मीडियम भी रख सकते हो। सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लो। फिर आप इसमें खुशबू के लिए एसेंशियल ऑयल वगैरह यूज कर सकते हो। ये आपका बॉडी स्क्रब पूरी तरह से रेडी हो चुका। अब इसे रूम टेम्परेचर पे 1 महीना आराम से स्टोर करके रख सकते हो, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सा है गाइस ये। तो अभी फिलहाल मैं आपको अपने हाथ पे यूज करके दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हो इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छे से स्किन को एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन सेल की लेयर को निकालता है, स्किन को काफी ज्यादा लाइट ब्राइट बनाता है। तो अभी फिलहाल मैंने इसे स्क्रब कर लिया, सेम मार्केट जैसा है। अब मैंने यहाँ पे 2 से 3 बूंद जितना पानी का यूज किया, आप देख सकते हो मैंने बहुत ही अच्छे से इसके स्क्रब कर लिया है। अब मैं अपना हाथ वॉश करके दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हो रिजल्ट। स्किन में इंस्टेंटली ये वर्क करता है, स्किन काफी ज्यादा लाइट ब्राइट लग रही है। तो आप इसे बनाए गाइस, यूज करें और स्किन को चमकाएं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी पर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।